अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल शाइनिंग स्टार्स, वेलकम बैक टू एंड द वीडियो। दिस इज़ मारूफ खान, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो का टॉपिक है डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये चैप्टर 17 नर्वस कोऑर्डिनेशन में इंक्लूड है। नर्वस कोऑर्डिनेशन का ये टॉपिक है, और इसमें आपकी बुक में दो डिसऑर्डर्स दिए हुए, आपको वो दो डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, और वो बहुत ईजी हैं। एक है पार्किंसंस डिजीज और एक है अल्जाइमर्स डिजीज। फर्स्टली वी टॉक अबाउट अल्जाइमर्स डिजीज। ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर होता है जो अर्ली एज के साथ साथ इसके सिम्टम्स इंक्रीज होते हैं। आपको ये याद रखना है कि जो अल्जाइमर डिजीज़ है ये कैरेक्टराइज होता है बाय लॉस ऑफ मेमोरी। इसका सबसे बड़ा सिम्टम ये होता है कि इसमें डिमेंशिया कॉज होता है, डिमेंशिया होता है लॉस ऑफ मेमोरी। पहले डायग्राम देख लेते हैं, चीज आखिर है क्या। अल्जाइमर डिजीज़ एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ तो है, बट याद रखिएगा कि इसमें जो ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं उनकी डी जनरेशन हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हेल्दी ब्रेन दिखाया हुआ है। माइल्ड अल्जाइमर्स जो अर्ली एज में होता है उसमें दिखाया हुआ है डी जनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स दिखाया हुआ है, और जो सिवियर अल्जाइमर है उसमें डी जनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स है वो ज़्यादा दिखाई हुई है। तो ये जो सिम्टम्स है ना ये इंक्रीज होते हैं, प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है जो अर्ली एज के साथ साथ इंक्रीज होता है। प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर जहाँ पे डिमेंशिया कॉज होता है, जनरली सिम्टम डिमेंशिया होता है, ये फोर्स हो रहा होता है ओवर अ नंबर ऑफ ईयर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है। अर्ली एज में मेमोरी लॉस माइल्ड होता है, जबकि जो लेट स्टेज होती है ना उसमें इंडिविजुअल के पास ये एबिलिटी ख़त्म हो जाती है कि वो कैरी कर सके कन्वर्जेशन को, ये रिस्पॉन्स कर सके एनवायरमेंट को। यहाँ पर हम सिम्टम्स में पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अर्ली स्टेज में न्यू और रिसेंट मेमोरीज डिफिकल्ट होता है कि उनको रिकॉल किया जा सके, लिखा हुआ है। और माइल्ड स्टेज में क्या होता है कि इंडिविजुअल्स को हेलुसिनेशंस हो रही होती हैं, डेल्यूजन्स हो रही होती हैं। डेल्यूजन्स कहते हैं वहम को, कोई एक इरेशनल आइडिया है जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो वहम उनको हो रहा है। और हेलुसिनेशंस होती हैं किसी भी वॉइस को हेयर करना, सीइंग फेसेस, जहाँ पर वो ना हो वहाँ पर वो ना हो उनको वहम हो रहा है, हेलुसिनेशंस हो रही हैं, जो चीज़ नहीं है उनको वो चीज़ लग रही है, तो उसको कहते हैं। तो ये माइल्ड सिम्टम्स में इंक्लूड होता है हेलुसिनेशंस और डेल्यूजन्स। इसका कॉज क्या होता है, तो जो अल्जाइमर डिजीज़ है ना ये कैरेक्टराइज होती है डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स। इसका ये कॉज होता है कि ये एक हेरिटेबल डिसऑर्डर है, जेनेटिक कॉज है, जनरेशन टू जनरेशन ये इनहेरिट हो रहा होता है। सो दैट्स वाई इसको कहते हैं कि ये एक हेरिटेबल डिसऑर्डर है, ये एक जेनेटिक कॉज है। एक और कॉज भी होता है, आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है, डीपोलराइजेशन हो जाती है एल्यूमिनियम की, तो वो भी इसका कॉज है। बाकी ट्रीटमेंट इसकी कोई क्योर नहीं है, इसका प्रॉपर क्योर नहीं है अल्जाइमर डिजीज़ का, बट इसको इसका मेन गोल ये होता है कि सिम्टम्स को डिक्रीज कर दिया जाए। जैसे अर्ली स्टेजेस में माइल्ड सिम्टम्स हैं, फिर जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे ही सिम्टम्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो उसकी वजह से इसको कम करने के लिए, उन सिम्टम्स को कम करने के लिए, न्यूरॉन्स की डीजनरेशन को कम करने के लिए नो क्योर, देयर इज़ नो प्रॉपर क्योर फॉर द अल्जाइमर डिजीज़। लाइक ये मोस्टली लेट एज में देखा जा सकता है और कोई प्रॉपर क्योर नहीं है। तो आई होप अल्जाइमर डिजीज़ याद हो गई होगी आपको। अल्जाइमर डिजीज़ में बस डिमेंशिया कॉज हो रहा होता है, लॉस ऑफ मेमोरी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसंस डिजीज़ भी एक ब्रेन डिसऑर्डर है, नर्वस डिसऑर्डर है, बट इसमें क्या होता है कि इसमें डीजनरेशन तो हो रही होती है, कॉज हो सकता है डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स की वजह से, बट एक और कॉज होता है कि जो नर्व टिश्यूज होते हैं ना वेसल गैंग्लिया में वो डैमेज हो जाए, उसकी वजह से ही कॉज हो सकता है। नर्वस डिसऑर्डर है पार्किंसंस डिजीज़ एज लाइक अल्जाइमर डिजीज़, बट इसका जो ये जो कैरेक्टराइजेशन होती है, जैसे उसमें क्या हो रही थी, उसमें डिमेंशिया हो रही थी, लॉस ऑफ मेमोरी, बट यहाँ पे इनवॉलेंट्री ट्रेमर्स हो रहे होते हैं, लाइक हमारे स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन वॉलेंट्री होती है, हम कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने आर्म को बेंड करें स्ट्रेट करें ये आप पे डिपेंड करता है। तो पार्किंसंस डिजीज़ अफेक्ट करता है हमारे आर्म और लेग को, जो वोर्स हो जाते हैं एट द लिम्ब एट द टाइम व्हेन लिम्ब इज इन रेस्ट। तो जब भी लिम्ब रेस्ट पे होगी ये ज़्यादा वोर्स हो जाते हैं, और ये इंक्लूड करते हैं ट्रेमर्स इन द आर्म और लेग। वैसे तो ना ये डिजीज़ अफेक्ट करती है बोथ साइड ऑफ द बॉडी, बट लेटर ये इंक्रीज करते हैं, मतलब स्टिफनेस कॉज करते हैं और वीकनेस हो रही होती है, ट्रेमलिंग हो रही होती है मसल्स की। सो दैट्स वाई ये एक डीजनरेटिव डिसऑर्डर है, नर्वस डिसऑर्डर जो इनवॉलेंट्री ट्रेमर्स को कॉज करता है। अब हम कॉज पढ़ते हैं, तो कॉज कैसे होता है। वैसे तो इनका कोई एक प्योर कॉज नहीं होता कि वो किस वजह से हो रहा है, लेकिन जो डोपामाइन है ना वो कॉज होता है डिफिशियंसी ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स की बहुत सी एग्जांपल्स ही हुई हैं, इसमें एक एग्जांपल होती है डोपामाइन की।
अब ये जो डोपामाइन है ना, ये जिन सेल्स जो सेल्स प्रोड्यूस करते हैं डोपामाइन को, वहाँ पे डिफिशेंसी हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है, उसकी वजह से हेड इंजरी होती है, जिसकी वजह से ये कॉज होता है। तो क्या हुआ, इसका कॉज ये है कि डोपामाइन की डिफिशेंसी हो जाती है, और उस डोपामाइन की डिफिशेंसी की वजह से ये प्रोड्यूस करते हैं पार्किंसंस डिजीज। न्यूरॉन्स है ना, हमारे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, तो वो जो डिस्ट्रक्शन हो रही है, डोपामाइन की प्रोडक्शन नहीं हो रही, उसकी डिफिशियंसी हो रही है, और उसकी डिस्ट्रक्शन की वजह से वो कॉज करता है पार्किंसंस डिजीज को। लाइक ट्रीटमेंट में देयर इज़ नो प्रॉपर क्योर फॉर पार्किंसंस डिजीज, बट आपने ये याद रखना है कि इसमें एक ड्रग होती है लेवोडोपा। ये लेवोडोपा इंजेक्ट की जाती है और ये बॉडी कन्वर्ट करती है लेवोडोपा को डोपामाइन में, जिसकी वजह से एक मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है फॉर पार्किंसंस डिजीज। इसमें क्या होता है कि ये ड्रग यूज़ करने की वजह से सिम्टम्स मिनिमाइज हो जाते हैं, बट ये नहीं है कि डिजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, हाल्ट कर देंगे, नहीं, लेकिन हाँ मिनिमाइज हो सकते हैं सिम्टम्स। सो यही होता है पार्किंसंस डिजीज। इसमें बस आपने ये याद रखना है कि अल्जाइमर डिजीज में कैरेक्टराइजेशन होती है, इसके सिम्टम्स होते हैं लॉस ऑफ मेमोरी, डिमेंशिया, जबकि इसमें हो रही होती है इनवॉलेंट्री ट्रेमर्स होते हैं, जिसमें ट्रेमर्स होते हैं आर्म और लेग में, जो वोर्स हो जाते हैं एट द टाइम व्हेन लिम्ब इज इन रेस्ट। डेथ होती है डोपामाइन की, इसकी वजह से लेवोडोपा यूज किया जाता है टू रिलीव द सिम्टम एंड द मेंटेन योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो दैट सेड, आई होप समझ आ गए होंगे। डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स बहुत ईजी थे, और एपिलेप्सी भी होता है एक, बट एपिलेप्सी यहाँ पे दिया हुआ नहीं है आपकी बुक में, सिर्फ और सिर्फ दो डिसऑर्डर्स दिए हुए। सो आपको सिर्फ ये याद करना है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।